गलतफहमी है, कंफ्यूजन है। आप कहाँ ये गांधी सम्मान समारोह से नीति आयोग में चले गए हैं? नीति आयोग अपना काम कर रहा है। नीति आयोग एक पैरामीटर्स के आधार पर काम करने की संस्था है। हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 15 वर्षों में। नीति आयोग वो आईना है जो हमको कह रहा है अभी और काम करने की जरूरत। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट पे तो लगातार घमासान लगता है। अब ये तो मैं उस घमासान में नहीं जाता। मैंने कहा नीति आयोग अपना एक पैमाने पे काम करती है और पैमाना जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ पैमाना है और जिस पैमाने पर कोई छुप के किसी मास्टर साहब ने नंबर बिठा दिया, ऐसा तो है नहीं। नीति आयोग के पैमाने की खुली किताब है। मैंने कहा ना कि नीति आयोग में हम लोगों ने 15 सालों में बहुत काम किया है, लेकिन जो 2005 से 1990 से 2005 का जो बिहार था, उस समय का जो हालात थे आप सभी लोग जान रहे हैं, उस हालात से निकाल करके आज फ्लोर पर रखने में बिहार को एक वक्त लगा है। और हम समझते हैं कि नीति आयोग के सभी पैमाने को आने वाले दिनों में बिहार फुलफिल करेगी। और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, हम समझते हैं कि वो ये बता रहा है कि अभी हम लोगों को मिल करके, जुट रह करके और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हित में काम करने की आवश्यकता है। नेता विरोधी दल की शादी हो गई, भूत का भी हम तो समझ रहे थे कि बीच में नेता विरोधी दल राहुल गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे, तो हम तो इस चिंता में थे कि कहीं उस राह में निकल गए तो क्या होगा। चूँकि तो परिवारवादी पार्टी है, आगे परिवार का कोई वारिस आएगा कि नहीं आएगा, तो हम तो चिंतित थे व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब जो ही खबर आई कि उन्होंने अपनी शादी तय कर ली है अपने मन मुताबिक, तो अपने तो मैंने उनको बहुत पहला सबसे पहला व्यक्ति था कि मुझे सूचना मिली तो मैंने कैमरा पर भी आकर उनको शुभकामना दिया। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनके पारिवारिक जीवन उनका मंगलमय हो, शांतिपूर्ण हो और आनंद से बीते, यह शुभकामना भी मैं आपके माध्यम से उनको देना चाहता हूँ। वैसे शादी में तो बड़े गिने चुने लोगों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन जब अब बिहार आएंगे तो देखा जाएगा। भोज का इंतजार भी कर रहे हैं? भोज का इंतजार क्या करना है, हम तो भोज उनको खिलाएंगे, लेकिन है क्या कि राहुल गांधी जी के रास्ते से अलग हुए हैं, इसके लिए उनको तो भोज खिलाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल इस भोज भात में नहीं जा करके मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि उनका भविष्य अच्छा हो, उनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और मैं खुश भी हूँ कि जब वो बिहार आएंगे अपने परिवार के साथ यहाँ रहेंगे। मामला तो कल समझ में आया कि क्यों भागकर वो दिल्ली चले जाते थे, सत्र खत्म होता था और क्यों भागकर वो दिल्ली चले जाते थे तो इधर समझ में आया। हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, साधारण आदमी है, उतना समझ में आता नहीं है। जो माता पिता तय करते हैं उसको मानने वाले लोग रहे हैं, तो कल मामला समझ में आया। तो हमको इस बात का प्रसन्नता भी है इस बात की कि अब वो बिहार में टिक करके बिहार की जनता की चिंता करेंगे और उनके भगवान उनका जो दाम्पत्य जीवन है उनको अच्छा करिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।